फूल है, ये फल नहीं है, फल दूसरी प्रकार का होता है भाई, हम ही में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा फल पेड़ सब, तो ये फूल है। तो आप समझते हैं कि किसी चीज का फूल कितना ही प्यारा होता है, और जितना प्यारा होता है उतना ताकतवर भी होता है। ये महुए का फल बहुत ही ताकतवर है, इन्हीं सब चीजों को खा खा करके हमारे पूर्वज 100-150 साल जिंदा रहते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। और साथ में महुआ हर समय नहीं मिलेगा, तो ये है सूखा महुआ, देख लीजिए इसको सुखाया हुआ है, इसी को ताजे को इसको छाया में सुखा लिया है हमने। अगर छाया में सुखाते हो तो पीले कलर में रहेगा, अगर धूप में सुखाते हो तो काला कलर भी हो सकता है और आपका पीला भी रह सकता है। तो आप जो है ज़्यादातर अगर खाने के लिए सुखाते हो तो छाया में सुखाइए, और बहुत बढ़िया। तो आप इनको क्या करना है कि सुबह सुबह सबसे पहला काम है, आप जगते ही आपको ये नींबू को ले लेना है। अगर छोटा है तो आप इसको पूरा ले लीजिए, अगर बड़ा है तो आप आधा कर लीजिए, और इसको काट करके आपका गुनगुना पानी अगर हो सके तो गुनगुना पानी कर लीजिए, या तो फिर जो है अगर गुनगुना नहीं कर सकते हो तो फ्रेश पानी, बिल्कुल फ्रेश पानी में आप इसको आधा नींबू या एक नींबू का रस मिला लीजिए, और साथ में इसमें अगर मिलाना चाहें तो आप हल्दी भी मिला सकते। नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आइए फिर हम आपके साथ हैं, तो देखिए कि हम आपको आज बहुत ही अति स्वास्थ्यवर्धक, बहुत ही लाभदायक, आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, कोई भी कमजोरी हो, दिक्कत आ रही हो, पेट खराब रह रहा हो, आपको शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही हो, और हमारे माताओं बहनों को पीरियड में दिक्कत आती है, और सफ़ेद पानी जिसको कहते हैं लिकोरिया की, हमारे भाई भाइयों को जिनको धात की शिकायत रहती है, तो उनके लिए ये, और कमजोरी के लिए, क्योंकि जब शरीर के अंदर कमजोरी होती है तो ये धात भी पड़ा करती है, और नाइट फॉल वगैरह ये सब कमजोरियों से, क्योंकि नींद पूरी आती नहीं है, तो ये सब ताकतवर ये देख लीजिए। और घर के सारे आइटम हैं, घर में हर चीज़ ये मिल जाया करती है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये अलसी है, ये देख पा रहे हैं कि ये अलसी है, तो आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। चना है, देख लीजिए ये चना, ये चना है, ये आपका मूंगफली है, पहचान लीजिए अच्छी तरीके से, ये मूंगफली है, ये नींबू का फल है, देख लीजिए नींबू है, और ये फ्रेश महुआ, ताज़ा महुआ है, पेड़ का निकला हुआ फूल है, महुए का, ये महुए का फल बहुत ही ताकतवर है, इन्हीं सब चीज़ों को खा खा करके हमारे पूर्वज 100-150 साल जिंदा रहते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। और साथ में महुआ हर समय नहीं मिलेगा, तो ये है सूखा महुआ, देख लीजिए इसको सुखाया हुआ है, इसी को ताजे को इसको छाया में सुखा लिया है हमने, अगर छाया में सुखाते हो तो पीले कलर में रहेगा, अगर धूप में सुखाते हो तो काला कलर भी हो सकता है और आपका पीला भी रह सकता है। तो आप जो है ज़्यादातर अगर खाने के लिए सुखाते हो तो छाया में सुखाइए, और बहुत बढ़िया। तो आप इनको क्या करना है कि सुबह सुबह सबसे पहला काम है, आप जगते ही आपको ये नींबू को ले लेना है, अगर छोटा है तो आप इसको पूरा ले लीजिए, अगर बड़ा है तो आप आधा कर लीजिए, और इसको काट करके आपका गुनगुना पानी अगर हो सके तो गुनगुना पानी कर लीजिए, या तो फिर जो है अगर गुनगुना नहीं कर सकते हो तो फ्रेश पानी, बिल्कुल फ्रेश पानी में आप इसको आधा नींबू या एक नींबू का रस मिला लीजिए, और साथ में इसमें अगर मिलाना चाहें तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं, अगर शुगर नहीं है किसी भाई को तो हल्दी अगर मिलाएं तो थोड़ा मिलाएं, ज़्यादा ना, एक चुटकी मिलाएं, ज़्यादा ना मिलाएं, और अगर
शुगर नहीं किसी भाई बहन को, तो शहद ही मिला सकते हैं। तो आप सुबह सुबह खाली पेट इसको पी लें 2 गिलास। आपके किसी तरीके की पेट में कोई भी होगा, आपने सुबह होगा सुना भी होगा कि निरमा की सफाई नींबू से, आपने देखा प्रचार में भी आता है। तो जिस तरीके से कपड़े की सफाई करता है, इसी तरीके से ये हमारे पेट में, पेट की सफाई, लीवर में किसी तरीके का भी कोई भी दिक्कत है, पेट में गड़बड़ी है, आपको पेचिश पड़ रही है, आपकी टट्टी बंद करके आ रही है, टट्टी जाने में कड़ी टट्टी आ रही है, बहुत बदबूदार टट्टी आ रही है, तो ये उसमें बहुत बढ़िया रामबाण। वैसे सब चीज़ें ऐसी ही हैं, पेट के संबंधी हैं और सब ताकतवर हैं। इसी तरीके से ये अलसी, अलसी को आपको अच्छा, इस सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनमें से आपको एक चीज़ ही इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप लोग सब लोग इकट्ठा कर लें और वो हजम ना कर पाए, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप धीरे धीरे हजम करने की ताकत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं तो आप एक चम्मच अलसी भी ना हजम कर पाएंगे, और न 8-10 अगर महुए खा लेते हैं तो महुआ हजम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा चना खा लेंगे तो भी ना हजम कर पाएंगे। तो इसलिए जितना हजम करते जाएं थोड़े से शुरुआत करें। मान लीजिए महुआ खाना शुरू करते हैं तो आप 5 महुआ से शुरू करें, चाहे वो कच्चा खाएं, ये पका हुआ महुआ है पर मतलब फ्रेश महुआ खाएं, या फिर सूखा महुआ खाएं, या फिर ये अलसी खाएं, चने खाएं, मूंगफली खाएं, कुछ भी खाएं, तो उतना खाएं कि जितना आपको हजम हो सके, और इसको खाएं प्रतिदिन। ध्यान इतना जरूर रखें कि सुबह सुबह खाली पेट इनका सेवन करें, और मॉर्निंग वॉक करें, खूब मॉर्निंग वॉक करें, व्यायाम करें, तो आपको देखेंगे कि अगर किसी का पेट निकल रहा है या ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो उनका वजन कम हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा। पर ध्यान रखिए भाई, ऐसा नहीं है कि आपने इनको सबको खाया और खाया करो, आप खूब खाया करो इसको, ये इसका कोई नुकसान नहीं है। पर हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा जरूर, गर्म तासीर होती है तो उतना खाइए। ये ताज़ा जो है फूल है और ये सूखा हुआ फूल है, आप डायरेक्ट खा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर इसका ज़्यादा अगर वो है तो इसके अंदर बाल होता है थोड़ा थोड़ा, ये बाल होता है जो लाल कलर में दिख रहा है, इसको आप निकाल करके फेंक सकते हैं, फिर इसके बाद खा सकते हैं, तो आपकी आदत बन जाएगी, तो आप खा सकते हैं, तो खूब खाया करो, कोई नुकसान नहीं करता। अलसी भी खा सकते हैं, तो खाइए, पेट हजम होने के लिए घर में बैठ करके हजम हो जाएगा, घर में बैठ के हजम नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा, व्यायाम करना होगा, सुबह जगना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम योगा ये सब करिए, थोड़ा मेहनत करिए, दौड़िए भागिए, फिर इनको हजम कर पाओगे। अगर आप सुबह योगा व्यायाम प्राणायाम नहीं करोगे तो इनको हजम भी ना कर पाओगे, ये तो फिर खूब मेहनत करते हो, तब आप बैठे बैठे कुर्सियों में तो हजम ना कर पाओगे ऐसी चीज़ें, क्योंकि सब ताकतवर चीज़ें हैं ये। तो आप सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक वगैरह करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें 1/2 घंटा 1 घंटा, इसके बाद शाम को खाना खाने के बाद भी आप थोड़ा बहुत घूमें फिरें, तब जा करके आपको जो है ये हजम कर पाएंगे, नहीं हजम भी नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ताकतवर चीज़ें हैं। और आप 1 महीना हमारे कहने से, मात्र 1 महीना रेगुलर आप जो है इसको यूज करिए, इस्तेमाल करिए, खाइए इनको, अब फिर देखिए, फिर हमें कमेंट करिएगा कि हमारे शरीर में क्या फर्क डाला है इसने, बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी, किसी भी प्रकार की, चाहे वो हमारी माताएं हो या बहनें हो, तो सबके लिए लाभदायक है ये, सब लोग इस्तेमाल करिए और खाइए इसको, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेट में अगर किसी भी प्रकार के आपके पेट में आप टट्टी करने जाते हैं, आपके ऐठन बन जाती है, पेट में जो है पत्थर जैसे जम जाता है, बड़ी दिक्कत आती है, गांठ जैसे बन जाया करती है, बहुत बदबू आती है, आप इसका 1 चम्मच लीजिए, 1/2 चम्मच लीजिए, आप अपने वैद्य से जानकारी कर लीजिए, जो भी आपका नज़दीकी वैद्य हो, डॉक्टर हो। पर हाँ, ये है कि कोई भी चीज़ है इस्तेमाल करना है तो किसी वैद्य या जानकार से सलाह लेकर के जरूर करना है। हमारे कहने से ये ना हुआ कि डायरेक्ट आप यूज कर ले, कितना आप हजम कर सकते हो, कितना हजम नहीं कर सकते हो, तो कोई बता करके ही आप जो है इस्तेमाल करें, या फिर थोड़ा इस्तेमाल करें, और जैसे आपको हजम होता जाए आप स्पीड बढ़ाते जाइए, आप
फिर इनका देखिए कमाल, खाते हैं नहीं, बीमारी हो गई डॉक्टर के पास लाखों रुपए फूंकाते हो, पर घर में आप 10-50 रुपए का आप नींबू, आपको पर्याप्त मिल जाता है, 1 रुपए के 2 नींबू मिल जाते हैं, 4 नींबू कहीं ज्यादा मिल जाते होंगे, ये सब आप अपने गार्डन में लगा लीजिए, अगर कहीं जगह है थोड़ी बहुत तो आप गार्डन में लगा लीजिए, ये तो सब घरेलू पौधा है मेरे भाई, तो आप इनका इस्तेमाल करिए, घर में लगाइए, तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ घर में लगाइए, ये सब घर में लगाइए, गमलों में लगाइए, अपने बालकनी में रख दीजिए, ध्यान रखिए, बस ध्यान रखिए, सेवा करिए, अगर सेवा नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, आपको इनका मेहनत करना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद देखिए आप, तो इनका जरूर इस्तेमाल करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा मोबाइल नंबर ऊपर चल रहा है, अगर किसी भाई बहन को हमसे बात करने की ज़रूरत हो, कोई जानकारी लेना हो तो हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, हमसे संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर में, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए तो हम ज्ञानवर्धक वीडियो और जड़ी बूटियों की वीडियो हम प्रतिदिन 1 बजे अपने YouTube में डालते हैं, तो आप जो है देखें और इसका लाभ लें, लाभ लें। जब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।